उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आगामी चुनाव को लेकर जगह जगह पर मंडलों में सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान काशीपुर के खड़गपुर स्थित सत्यम पैलेस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विनय रुहेला ने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप जलाकर राष्ट्रगीत के साथ कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, गरीबों के लिए आवास योजना, खाद्य योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री विनय रुहेला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोगों के लिए लगातार नई नई योजनाओं को लागू कर रही है, जिसमें गरीबों के लिए शौचालय योजना, आसान किस्तों पर घर की सुविधा और सब्सिडी प्रदान करना, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, श्रम कार्ड से लोगों को लाभ दिए जाने और समय समय पर मन की बात करते हुए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार पुष्कर सिंह धामी हर संभव कोशिश कर रही है। उधर नगर निगम मेयर उषा चौधरी ने भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। और लाभार्थी से यहाँ है कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पूरे देश में करोड़ों मकान मोदी जी के द्वारा बनवाए गए, करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों लोगों को, किसानों को उनके खातों में जब उनकी किसानों की फसल खराब हुई उनको लाभ दिया गया, हजारों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मतलब आज ये देख लीजिए, आज आयुष्मान योजना का कि हर आदमी के हाथ में कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से वो अपना इलाज करा रहा है। व्यक्ति अनेकों सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज अपने जीवन स्तर को सुधारने में लगा हुआ है। उस जीवन के स्तर को सुधारने की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व एक साथ खड़ा होकर, गरीब आदमी के साथ खड़ा होकर भारत माता की जय जयकार कर रहा है। इसी जय जयकार के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे।